श्लोक संख्या 23। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। भगवान बता रहे हैं कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमानी ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख और ना ही परम गति। तो यहाँ भगवान एक तरह से ये बतला रहे हैं कि हमारे जीवन को ठीक तरह से जीने के लिए बहुत जरूरी है शास्त्रों के आदेशों का पालन करना। शास्त्र में जैसे कहा गया है कि अगर आपको अपने शरीर का सुख चाहिए तो उसके लिए ब्याह करो, शादी करो। लेकिन आजकल जैसे हम सोचते हैं कि अरे शास्त्र वास्त्र क्या होता है, किसी ने लिख दिया होगा, और लोग लिव इन रिलेशनशिप में विश्वास करने लगे हैं। शादी की संस्था पर अब विश्वास नहीं है, लोग साथ रहते हैं पशुओं की तरह, बच्चे पैदा करते हैं और चले जाते हैं। तो इस तरह से सभी मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, शास्त्र में विधि निषेध दिए गए हैं, इस तरह से आपको जीना है, इस काम को नहीं करना, चोरी नहीं करनी, धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, व्यर्थ का संग्रह नहीं करना, भगवान का नाम लेना है, भगवान की तरफ मुड़ना है, भक्तों का संग करना है, और भी अनेक अनेक आदेश जैसे कि गीता में भगवान ने दिए। लेकिन लोग कह देंगे अरे ये किसी ने लिख दी होगी, भगवान कहाँ आएंगे। तो अगर हम अपने शास्त्र के अनुसार नहीं चलेंगे और मनमाने ढंग से काम करेंगे, हम ही अपने शास्त्र बनाने लगेंगे। वो शास्त्र तो होंगे नहीं, वो तो हमारी मूर्खता के लक्षण है कि हम ही कुछ लिख देंगे। बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, अनेक अनेक किताबें लिखते हैं, हाउ टू बिकम मिलियनर, अमीर कैसे बनो, कैसे इंटेलिजेंट बनो, कैसे ये करो, कैसे वो करो, और उनकी बड़ी सेल होती है, बहुत खरीदते हैं लोग, अमीर कैसे बनो, अमीर बनने के 10 नुस्खे, और ना जाने क्या क्या चीजें, बड़ी बिक्री होती है ऐसी किताबों की। खरीदते हैं, पढ़ते हैं और कामनाओं में फंसते हैं, लोभ में फंसते हैं, क्रोध में फंसते हैं, और नरक के द्वार पर जा खड़े होते हैं। और ऐसे लोग वही होते हैं जो शास्त्रों को नहीं मानते। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग ना तो इस जीवन में कभी सुखी रहेंगे, शास्त्र नहीं माना तो भगवान को कहां से मान लिया, है ना? क्योंकि भगवान तो शास्त्र के द्वारा ही जाने जाते हैं। जो शास्त्र में यकीन नहीं करते, शास्त्र की विधियों में यकीन नहीं करते, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, तो भगवान कहते हैं इस जीवन में उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। बहुत पैसा एकत्र कर लिया पर हो सकता है बच्चे ही दुखी कर दें, बच्चे अच्छे घर निकल गए तो हो सकता है उनकी पत्नियां बेकार हो जाएं, वो भी अच्छे निकल गईं तो हो सकता है बाहर की ऐसी स्थिति परिस्थिति हो जाए कि घर एकदम उलट पलट हो जाए। मतलब सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा, और फिर ना ही उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। जो कार्य वो कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि शायद सिद्धि होगी, पूरा होगा, पर वो सिद्धि नहीं है। सिद्धि है भगवत प्रेम, परम गति है भगवान के प्रेम को प्राप्त करके भगवान का धाम प्राप्त करना, उनकी सेवा प्राप्त करना, ये परम गति है। और ऐसी गति से तो अनजान होते हैं ये लोग जो शास्त्रों की अवहेलना करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो भक्ति करते हैं पर कहते हैं हम शास्त्र वगैरह नहीं मानते, भगवान और हमारे बीच में भला कैसा पर्दा, कैसे भक्त, कैसे शास्त्र, हम जो भगवान से कहेंगे, जो भगवान हमसे कहेंगे, बस हमारी आपसी बातचीत है, शास्त्र वास्त्र नहीं। शास्त्र में कहा गया कि आप इतने बजे उठिए, पूजा पाठ करिए, 6 घंटे से अधिक मत सोइए, और ये लोग 12-12 घंटे सोते हैं, उसके बाद उठ के 1-1, 2-2 बजे नाश्ता करते हैं, फिर नहाते हैं, नहाने के बाद फिर 1 अगरबत्ती जला लिया और कहा कि हो गई पूजा पाठ, हमने तो मना लिया भगवान को, और हमने कहा कि नहीं भाई शास्त्र तो ऐसा नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं तो तुरंत बोलेंगे चुप रहो चुप रहो, शास्त्र वास्त्र हम नहीं मानते, ये तुम लोग अपने शास्त्र ले आए हो अपने आप को विद्वान दिखाने के लिए। लेकिन देखिए गीता में भगवान स्वयं अपने मुख कमल से कह रहे हैं कि जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, उनके आदेशों की अवहेलना करता है, वो मनमाने ढंग से कार्य करेगा, और जो मनमाने ढंग से कार्य करेगा उसे ना सिद्धि मिलेगी, ना इस जन्म में सुख मिलेगा, और ना ही जन्म मृत्यु से छुटकारे रूपी परम गति की प्राप्ति होगी।